नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो से दिनेश पांडे और पेश है साप्ताहिक न्यूज डायरी। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर के बोकारो में बाकी शांतिपूर्ण इस सप्ताह बीता। और सबसे पहले अब आपको मैं बता दूं कि खबरें अब सुनिए आप विस्तार से। इस सप्ताह भूमि विवाद को लेकर बारी कोऑपरेटिव में गोलीबारी की घटना हुई, लेकिन इस मामले में किसी की हताहत होने की खबर नहीं रही। जबकि मूसलाधार बारिश से पूरा बोकारो का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बोकारो जिले के कई विभागों में जल जमाव हो गया और यहां तक कि कई नदियां जो है खतरे के निशान से भी ऊपर बहने लगी, लेकिन अभी हालात काबू में है। और सबसे पहले यह भी बता दूं कि जल जमाव को लेकर के कई मोहल्ले में अभी भी समस्याएं अथावत बनी हुई है और जिला प्रशासन के द्वारा इस दिशा में कोई अब तक पहल नहीं किया जा सका है। बारिश के कारण कई मोहल्लों में जल जमाव के अलावे कई जगहों पर ये कहा जाए कि पुल भी एक छोटी सी बहने की खबर है। जबकि नदी के तेज धार के बहाव में आने से एक किशोर जो है नदी में बह गया, जिसकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक उसका शव नहीं मिला है और आज जो है एनडीआरएफ की रांची से टीम भी बोकारो पहुंच चुकी है और शव का खोजबीन अभी भी जारी है। आश्वासन एवं आवासन समिति जो है झारखंड बोकारो दो दिवसीय के दौरे पर पहुंची, तथा कई विभागों की समीक्षाएं बैठक भी की गई तथा अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए। जबकि उपायुक्त जो बोकारो जो है कई बैठक किए और इन बैठकों में कई आवश्यक निर्देश भी अपने अधिकारियों को दिया और उन्होंने जल जमाव और नदियों के जलस्तर को बढ़ते देखते हुए तेंदुघाट डैम और गागा डैम का निरीक्षण भी किया और आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए। लेकिन अभी भी बोकारो के कई मोहल्लों में गंदे पानी और बारिश की पानियों का जल जमाव है और जिसके कारण मच्छरों का प्रजनन केंद्र के रूप में तब्दील हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार जो है 15 अगस्त को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की दिशा में प्रशासन जो है लगातार प्रयास कर रही है, तथा पहाड़ी और जंगलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन भी एसपी के निर्देश पर लगातार चलाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि बोकारो के सेक्टर 12 मोड़ से लेकर के और जो पुलिस लाइन तक जो सड़कें जा रही है वो सड़क जर्जर हैं, इसलिए इस बार जो है कई अधिकारी इस टूटे सड़कों से गुजरकर झंडोत्तोलन करेंगे। हालांकि जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इसके लिए विशेष निर्देश भी जारी किया है और सड़क को मरम्मत कराने का निर्देश भी जारी किया जा चुका है। हालांकि इलाके में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटने की कोई खबर नहीं है, लेकिन पुलिस लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ भी एंटी ऑपरेशन चला रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो है लोहे और कोयला तथा बालू उत्खनन के मामले को लेकर लगातार छापेमारी अभियान जारी है। इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो 7 से अधिक जो बालू लदे ट्रैक्टर को भी खनन पदाधिकारी और एसडीओ चास के संयुक्त नेतृत्व में जब्त किया गया है। विशेष खबरें जो है अब जिस तरीके से जो आ रही हैं ये भी है कि पुलिस लगातार नक्सलियों को गिरफ्तार करने, वारंटियों को गिरफ्तार करने और लंबित मामलों के निष्पादन के लिए भी एसपी ने विशेष अभियान चला रखा है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।